सर सूचना मिली है कि रतनपुरा ब्लॉक के इस नहर में किस टाइप की दवाई गिरी पड़ी है, फेंकी पड़ी है। क्योंकि देखिए ग्रामीण जो हैं इन्होंने कोई सूचना दी थी कल रात को जी, तो 8:30 बजे हमारे पास सीएमओ सर का फोन आया कि जाके वहाँ पे देखिए कि क्या बात है। क्योंकि रात होने के कारण यहाँ पे अच्छी तरह से देख नहीं पाए, इसलिए हम इस समय यहाँ आके यहाँ देख रहे हैं। तो इसमें ये एक्सपायर दवाई है, लेकिन ये जो दवा है ये सरकारी दवा है सर। ये इसकी रिपोर्ट जो है तैयार करके हम सीएमओ साहब को दे रहे हैं। इसके बाद टीम गठित होगी और इसकी जांच होगी, बैच नंबर मिलाया जाएगा कि ये कहाँ से दवा निकली है और किसने फेंका है। सर जैसा कि मैं बता दूं कि रतनपुरा ब्लॉक में बहुत सारे जगहों पे ऐसी वारदात हो रही है, तो इससे सर क्या कहेंगे आप? अभी गुलौरी में भी हुआ है, गुलौरी में जो हुआ था उससे उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो चुकी है जी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। सर आपने ये कार्रवाई करने के बाद भी ये सारी चीज़ें आपको देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इतनी सारी दवाइयाँ फेंकी गई हैं, किस कारण फेंकी गई हैं इसका तो मुझे भी नहीं पता है, बट अब इसके बारे में आप कुछ कहिए सर। आप अपना पर्चे दे के बताइए सारी चीज़ें कि ये सही है या फिर गलत है। नहीं, मैं डॉक्टर भैरव कुमार पांडे सीएमओ मऊ, ये चीज़ें तो बहुत निंदनीय है। ये चीज़ें यदि किसी गरीब जनता को दिया जाए तो उसको बहुत फ़ायदा होगा, और हमारा ये भी विचार है कि ये चीज़ें सबको बटनी चाहिए। लेकिन अब जो लोग इसमें ये नीच हरकत कर रहे हैं उनके बारे में टीम द्वारा पता लगाया जाएगा और फिर उनको दंडित किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू।